नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक लेटर दिया गया है जो AIRF के द्वारा दी गई है और NFIR के द्वारा दी गई है। जो रेलवे अप्रेंटिसशिप होते हैं, इन्हीं को कई सारे मुद्दे को लेकर वहाँ पर इसके बारे में एक लेटर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के द्वारा दिया गया है और जिसमें उसी के तरफ से जो डिमांड की गई है उसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिमांड की गई है। और इसमें बहुत सारे डिमांड हैं, जैसे रेलवे में जो रेलवे अप्रेंटिसशिप होते हैं उनको GM पावर से भर्ती की मांग की गई है। और रेलवे में जो 2019 की भर्ती निकाली गई थी ग्रुप डी के, उसमें जो CCA कैंडिडेट हैं उनको, बहुत सारे कैंडिडेट को ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट अलाटमेंट हो गया, उसको चेंज करके अदर पोस्ट अलाटमेंट किया जाए, क्योंकि ये जो रेलवे अप्रेंटिसशिप होते हैं उनको उन्होंने रेलवे वर्कशॉप से अप्रेंटिसशिप किया होता है। इस वजह से उनको, उनकी डिमांड है कि उनको वर्कशॉप में ही पोस्ट अलाटमेंट किया जाना चाहिए। और इसमें AITT 109 बैच के जो कैंडिडेट हैं उनको ग्रुप डी में बहाली की जाए, क्योंकि उनकी सर्टिफिकेट जो इशू अप्रैल 2019 में हुआ है उसको लेकर बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। इसी को लेकर यहाँ पर AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा यहाँ पर रेलवे बोर्ड को एक लेटर दे के सौंपा गया, उसमें उनसे डिमांड की गई है और उनकी मीटिंग के बारे में यहाँ पर किए गए। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो लेटर सौंपा गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो CEO हैं उनको दिया गया है और DGHR को दिया गया है। और इसमें आप लोग जानते होंगे, क्योंकि रेलवे में दो यूनियन है, एक AIRF और एक NFIR जो बड़ी यूनियन है, मान्यता प्राप्त यूनियन है। इनके तरफ से जो भी डिमांड किए जाते हैं वो इजीली रेलवे बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है कि उस भी उनकी समस्याओं को सुना जाता है, क्योंकि ये बड़ी यूनियन है जो रेलवे को बहुत सारे जो कमियां होती हैं उन पर ये चर्चा करती है। बाद में उन पर बहुत सारे मुद्दे पर उनका डिसीजन भी लिया जाता है। तो दोनों के बारे में डिस्कस कर देखने वाले हैं क्या लेटर यहाँ पर इशू किया गया है। ये आपकी एक लेटर है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पर 4 मई 2023 को जारी किया गया है। और ये लेटर जो जारी किया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं, द जनरल सेक्रेटरी ऑल यूनियन जो होती है इनके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। जो यहाँ पर AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनके द्वारा ये लेटर जारी किया, कि जिसमें बहुत सारे डिमांड यहाँ पर किए गए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये लेटर भेजा गया है वो CRB, CO और FC को भेजा गया है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है ये, और यहाँ पर लेटर में देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो DGHR होते हैं उनको भी दिया गया है, और ये चेयर जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पर्सन होते हैं उनको भी दिया गया है। तो इस पर बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पाँचवा, छठवें वाले मुद्दे पे आएंगे। तो आपको यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के बारे में दिया गया है। ये पूरा लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन उनके द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर जैसे आप इसको जूम आउट जूम करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेंशन किया भी गया है, यहाँ पर जो AIRF के महामंत्री हैं उनके द्वारा ये लेटर यहाँ पर 6 नंबर पर बताया गया है कि जो ग्रीवांस ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, कोर्स कंप्लीटेड रेलवे एक्ट अप्रेंटिस, इसमें डिसाइड किया गया अनदर मीटिंग विल बी द हेल्ड बाय इन रेलवे बोर्ड आफ्टर स्टडिंग वेरियस इशू। यानी रेलवे बोर्ड में बहुत सारे जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस की बहाली को लेकर है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने की बात कही गई है, और ये डिस्कस जल्द ही होने वाले है। और इसमें ये AIRF के द्वारा लेटर दिया गया है। उसके बाद अगली लेटर जो दिया गया है वो NFIR के द्वारा दिया गया है, नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इस लेटर में भी एक दूसरा लेटर है जो इस लेटर में देखेंगे, तो यहाँ पर सेक्रेटरी जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर लेटर इशू किया गया है, और इनमें बहुत सारे डिमांड इनसे की गई है कि
कि जो AITT 109 बैच के कैंडिडेट हैं उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका जो सर्टिफिकेट है उस पर अप्रैल 2019 लिखा हुआ है, और इनको चाहिए 12/4/2019 से पहले वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस पर 12/4 कहीं लिखा नहीं। इस वजह से इनको भी बहाली की मांग की जा रही है कि आप ये सर्टिफिकेट जो है इशू डिमांड है कि इनको लिया जाए, क्योंकि अप्रैल क्योंकि जो DGT होती है यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उनमें जो मंथ होता है वो ही दिया जाता है, क्योंकि उनमें दिनांक प्रिंटेड नहीं होता है। तो इस वजह से इनको इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर डिमांड किया गया है, और GM पावर की भी मांग की जा रही है। वो सभी चीज़ों पर एक एक करके यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, और एक लेटर और जारी किया गया उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरी लेटर है जो जारी किया गया है NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैंस के द्वारा ये जारी किया गया है। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो 5/5/2023 के डेट में यहाँ पर जारी किया गया है, और जो यहाँ पर इनकी सेक्रेटरी के जो NFIR के सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। जनरल सेक्रेटरी हैं जो NFIR के, इनका यहाँ पर नाम भी दिया गया, मेंशन किया गया, PS सूर्या प्रकाशम करके हैं, इनके द्वारा ये लेटर इशू किया गया। इनमें मुद्दा रखा गया है, जो हाईलाइटेड मुद्दा है वो यहाँ पर NPS टू OPS यानी जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट किया जाए, और इसमें बताया गया है कि जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हु ज्वाइन इन यहाँ पर मेंशन किया गया है सब्स्टिट्यूट इन ईयर 2004-2005 के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो इनको ज्वाइन कराया जाए, जो रेलवे अप्रेंटिस हैं जो 2005-04 में इनकी करके बैठे हैं, इनको ज्वाइन कराने की डिमांड की जा रही है। और इसमें बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो 2500 कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं उनको यहाँ पर इनके तरफ से साउथर्न रेलवे हेडक्वार्टर के जो हैं उनको दिया गया है कि इनको जल्द से जल्द बहाली किया जाए। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है जो साउथर्न रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको कैंडिडेट को यहाँ पर बहुत समय से इनकी वैकेंसी वहाँ पर खाली है, और जो 12/4/2003 से वहाँ पर कंप्लीट करके बैठे हुए हैं इनकी को लेकर बहाली किया जाए। इस वजह से इनको लेकर यहाँ पर बहुत सारे डिमांड NFIR की तरफ से की जा रही है। कह सकते हैं कि उनको जो पुराने कैंडिडेट हैं उनकी बहाली की मांग की जा रही है, कि जो बहुत पहले जिन्होंने 2005 के आसपास की अप्रेंटिसशिप करके बैठे हैं उनकी साउथर्न रेलवे की ज़्यादातर ज्वाइनिंग रोक दी गई थी बहुत पहले, इस वजह से उनकी डिमांड की जा रही है कि उनको जल्द से बल बहाल की जाए जो साउथर्न रेलवे के कैंडिडेट हैं। और टोटल 2500 कैंडिडेट की यहाँ पर डिमांड की गई है कि उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और ये यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लेटर यहाँ पर जारी कराई गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि मुद्दा जोरों शोरों से यहाँ पर उठाया जा रहा है, तो इस पर जल्द से जल्द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लगी, जो इसकी पूरी यहाँ पर बताया गया है। जो टेक्निकल पोस्ट हैं उन पर इनको अलर्ट किया जाए। अब ये तो रही NFIR के जो लेटर जारी किया गया था, ये लेटर जो NFIR की तरफ से जारी किया गया, तो उसके बाद एक लेटर AIRF की तरफ से भी जारी किया गया है जो इनके तरफ से भी बहुत सारे डिमांड किए गए हैं। तो उनको भी बहुत सारे मुद्दे पर बहुत सारे ERI की जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं वो रेलवे वर्कशॉप, डीजल रेल वर्कशॉप, लोको शेड जो करते हैं, जो रेल डिब्बा कारखाना या सवारी डिब्बा कारखाना मरम्मत कारखाना से जो होती है वहाँ से ये सब अप्रेंटिसशिप किए होते हैं, और अपने काम में ये बहुत फिट होते हैं यानी माहिर होते हैं। जो टेक्निकल काम होती है वो इनको अलाट किए जाने चाहिए, मगर मिनिस्ट्री जो RRC है इनके द्वारा बहुत सारे कैंडिडेट को ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट अलाटमेंट हो चुकी है, जो कि वहाँ पर उनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती, और जो ये लोग ट्रेनिंग किए होते हैं वो इस जगहों पर जो टेक्निकल वर्कशॉप होती है वहाँ से ये सब अप्रेंटिसशिप किए होते हैं, कि इस वजह से उनको भी डिमांड है कि उनको वर्कशॉप जैसी पोस्ट अलाटमेंट की जाए। जैसे कि आप सवारी डिब्बा कारखाना मरम्मत, जो रेल डिब्बा कारखाना मरम्मत होती है, और
RCF, BMW जैसे बहुत सारे जो इनके वर्कशॉप से रिलेटेड वर्क होती है वो वहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप करते हैं। इनकी पोस्टिंग वहाँ पर कराई जानी चाहिए ऐसे पोस्टों पर जो यहाँ पर। और AITT 109 का जो मुद्दा है, जी एम पावर का है, तमाम मुद्दों को लेकर AIRF के महामंत्री जो कॉमर्स शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड के CEO हों उनसे मीटिंग के जल्द ही कराई जाएगी, जो लेटर दिया गया है। इसके बाद यहाँ से डिसाइड किया जाए कि उनके पोस्ट को चेंज करना वगैरह सब इन पर मुद्दे पर बात होने वाली है। कोई भी डाउट है तो भेजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और ये सभी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इसकी जानकारी जो एरा के द्वारा भी उनके ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया गया है, तो आप वहां से भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और फेसबुक पेज पर भी एरा के द्वारा वहां पर पब्लिश किया गया है, तो वहां पर भी जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, कीप एन टच।